दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Vivo V30e 5G स्मार्टफोन को Vivo T3 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि V30e के अंदर हमें 6.78 इंच की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना ना भाई कि देखने में लगे हां यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली V30e की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं जो कि फनटच 14 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और लेटेस्ट UI दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अगर हम बात करें चिपसेट की तो V30e के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 1 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के अंदर हमें Dimensity 7200 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है भाई, बढ़िया वाली गेमिंग आप दोनों फोन के साथ में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको गेमिंग बिल्कुल अल्टीमेट वाली करनी है ना, तब आप यहां पर डेफिनेटली T3 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 7200 मिल रहा है जो कि सही में एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और एंड टू डू स्कोर यहां पर Vivo V30e का आता है 550,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3 5G का आता है 720,000 के करीब। इसलिए दोस्तों अगर आपको ज्यादा एंड टू डू स्कोर वाला फोन भी चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहां पर Vivo T3 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। और यार अगर आप इन दोनों फोन पर किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे V30e की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ T3 5G का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों T3 5G का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ना एकदम नेचुरल और ऑप्टिमाइज्ड फोटोज के हिसाब से, तब मैं यहां पर डेफिनेटली Vivo V30e की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई सही में एकदम बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया। भाई कैमरा सैंपल्स आप Vivo V30e के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इसने डिटेलिंग स्क्वायर कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। और साथ ही यार दोस्तों इसका जो सेकेंडरी कैमरा ना वो हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन ये T3 की तरह नहीं कि सिर्फ 2 का डेप्थ देखे भाई काम ही मुका दिया, बट डेप्थ कैमरा तो सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन Vivo वाले इसे फिर भी फोन में डालेंगे और पैसे बचाएंगे, पैसे अल्ट्रा वाइड कैमरा ना देके। और दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही यार वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो Vivo V30e के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T3 5G के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों Vivo T3 5G का जो फ्रंट कैमरा ना 16 मेगापिक्सल का, भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोस क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों फ्रंट कैमरा से सेल्फी फोटो बिल्कुल टॉप लेवल डिटेलिंग के साथ में अगर आपको क्लिक करनी है और 4K में वीडियो भी शूट करनी है फ्रंट कैमरा से, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo V30e की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो V30e यहां पर 5500 mAh की बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 5G के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। नो डाउट दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo V30e की तरफ ही जरूर से जाइए। साथ ही यार दोनों फोन यहां पर 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन टूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। और साथ ही यार दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि Vivo
V30e स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 जीबी वेरिएंट की प्राइसिंग है 27,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Vivo T3 5G स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 जीबी वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों 20,000 के प्राइस पॉइंट पे भाई सही में यार Vivo T3 5G काफी ज्यादा टॉप लेवल डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन यार दोस्तों 26,000 के प्राइस पॉइंट पे ना Vivo V30e फोन मत लेना भाई, क्योंकि यार उतना भी बढ़िया सामान मैं कहूंगा इसके अंदर नहीं मिल रहा। इससे बढ़िया ना आप Vivo V30 5G स्मार्टफोन ले लेना भाई, सही में यार वो स्मार्टफोन ना काफी ज्यादा टॉप लेवल है।